दोस्तों भारत में 60 लाख से ज्यादा किसान है वो कपास की खेती करते हैं। कॉटन फार्मिंग, प्रोसेसिंग और व्यापार से लगभग 4 से लेकर 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो कॉटन की खेती से जुड़ा है, प्रोसेसिंग से जुड़ा है और व्यापार से जुड़ा है, और जो कपास के बने कपड़े पहनते हैं यानी कि कॉटन क्लोथिंग का उपयोग करते हैं। और इस वीडियो में आज हम एक ऐसी टेक्निक जानेंगे जिसका नाम है हाई डेंसिटी प्लांटेशन सिस्टम टेक्निक। और दोस्तों इस टेक्निक की मदद से कपास का उत्पादन है वो 50% बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 1.5 गुना तक ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। नमस्कार, आपका स्वागत है फ्रीडम एफ फार्मिंग हिंदी चैनल में और मैं हूं आपके साथ कुमार पवन। दोस्तों आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारी वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। और आपको एक चीज़ और करनी है, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना है। फ्रीडम ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो फ्रीडम ऐप आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों मैंने जो ये कपड़े पहने हैं ये कॉटन से बने हैं। आप इसे कॉटन, कपास या नरमा, व्हाइट गोल्ड या सफेद सोना के किसी एक नाम से जानते होंगे। अलग अलग इलाकों में कपास के अलग अलग नाम लिए जाते हैं और भारत में 60 लाख से ज्यादा किसान है वो कपास की खेती करते हैं। तो दोस्तों हाई डेंसिटी प्लांटेशन सिस्टम टेक्निक के बारे में जाने उससे पहले थोड़ा सा भारत में कपास की खेती के बारे में जानना ठीक रहेगा। भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन करने वाला देश है। साल 2021 के आंकड़े बताते हैं 132 लाख हेक्टेयर में 352 लाख बेल यानी कि 352 लाख गांठ कपास की पैदावार हुई और एक गांठ का वजन है वो 170 किलोग्राम होता है। तो अकेला भारत है वो पूरी दुनिया का 36% कपास का उत्पादन करता है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती है और इन्हीं राज्यों से भारत के कुल कपास का उत्पादन है वो 90% हिस्सा पैदावार होती है। इनमें से भी 60% पैदावार है वो गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से मिलती है। तो दोस्तों यह तो बात हुई भारत में कपास या नरमा के सिनेरियो की, यानी कपास की खेती कहाँ पर और कैसे होती है। अब जानते हैं कि HDPS यानी कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन सिस्टम टेक्निक क्या चीज है। दोस्तों तेलंगाना के कृषि विश्वविद्यालय ने कपास की ज्यादा पैदावार लेने की एक जबरदस्त तकनीक खोजी है जिससे 30% से लेकर 50% तक ज्यादा पैदावार हुई है। HDPS तकनीक को आम भाषा में समझें तो ये ज्यादा पौधा लगाने की तकनीक है, यानी कि 1 एकड़ में ज्यादा पौधे लगाने की ये टेक्निक है। लगभग 3 गुना ज्यादा पौधे इस टेक्निक में लगाए जाते हैं। अति सघन पौधारोपण पर आधारित इस तकनीक में 3 गुना ज्यादा पौधे लगाने होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको 3 गुना ज्यादा बीज की आवश्यकता होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि बीटी कॉटन या हाइब्रिड किस्म वाले कपास की खेती के बारे में। दोस्तों कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि नरमा या कपास के परंपरागत तरीके से जो हम खेती करते हैं उसमें बीटी कॉटन या फिर हाइब्रिड वेरायटी के 1 एकड़ में लगभग 7,000 से 8,000 पौधे रोपे जाते हैं। लेकिन हाई डेंसिटी प्लांटेशन सिस्टम में, इस तकनीक में 1 एकड़ में 21,000 से लेकर 22,000 पौधे लगाए जाते हैं। अगर आपकी जमीन ज्यादा उपजाऊ है तो आप कतार से कतार की दूरी है वो 2 फीट से लेकर 3 फीट तक रख सकते हैं। अगर आपके कृषि भूमि का उपजाऊपन सामान्य है या थोड़ा कम है तो आप कतार से कतार की दूरी है वो 1 फीट 1.5 फीट से लेकर 2 फीट तक रख सकते हैं। यानी कि 1.5 फीट से लेकर 2 फीट तक अगर आप दूरी रखेंगे तो उसमें ज़्यादा पौधे लगेंगे और आपकी जो सामान्य उपजाऊ वाली ज़मीन है उसमें अच्छी पैदावार आपको मिल सकती है। दोस्तों पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर पौधे से पौधे के बीच की दूरी होना बेहतर होगा। यानी कि 1 फीट में आप 2 से 3 पौधे उगाएं तो ये हाई डेंसिटी की कैटेगरी में आएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कपास की नॉन बीटी या गैर हाइब्रिड सामान्य किस्म की खेती कैसे करें। कपास की सघन खेती में कतार से कतार की दूरी है वो 45 सेंटीमीटर होती है, यानी कि लगभग 2 फीट कतार से कतार की दूरी होती है और पौधे से पौधे की दूरी है वो लगभग 15 सेंटीमीटर होती है। 1 एकड़ में 80,000 पौधों से लेकर लगभग 1 लाख पौधे लगते हैं जो सामान्य हमारी वैरायटी है, जो हाइब्रिड या बीटी कॉटन नहीं है उनकी। नॉन बीटी या नॉन हाइब्रिड बीज है वो बिना छिलके वाला बीज है, उसकी मात्रा लगभग 6 किलो से लेकर 8 किलोग्राम आप प्रति एकड़ रखें तो
तो बहुत अच्छा रहेगा। और बीज की मात्रा जमीन के उपजाऊपन और सिंचाई की स्थिति के हिसाब से आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, इससे आपकी उपज में 30% लेकर 50% तक की बढ़ोतरी होगी, यानी कि 1.5 गुना तक आपको उत्पादन ज्यादा मिलेगा। हाई डेंसिटी प्लांटेशन का सिंपल सा फंडा यह है कि चाहे आप बीटी कॉटन की खेती करें या फिर हाइब्रिड वेरायटी उगाएं या फिर कोई सामान्य किस्म, आपको बीज की मात्रा है वो 2 गुनी या 3 गुना ज्यादा डालनी होगी जमीन में। और ज्यादा उपजाऊ जमीन में 2 गुना बीज काफी होगा। सामान्य भूमि है या कम उपजाऊपन वाली जमीन है तो उसमें आप 3 गुना तक बीज का उपयोग करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। दोस्तों, खास बात यह है कि कपास के सभी पौधों की ऊंचाई आप एक समान रखें तो बेहतर होगा। इसके लिए खास तरह का स्प्रे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों, सारे पौधों की एक समान ऊंचाई रखने का मकसद यह है कि इससे कपास की हार्वेस्टिंग यानी कि चुनाई करने में आपको आसानी होगी और उसकी कटाई करने में भी आसानी होगी। दोस्तों, हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम है ये बहुत कारगर है, लेकिन इसमें थोड़ा खर्चा है वो ज्यादा होता है। आमतौर पर आपको 1 एकड़ में कपास उगाने के लिए 2 से 3 पैकेट हाइब्रिड बीज या बीटी सीड की आवश्यकता होती है, लेकिन हाई डेंसिटी टेक्निक में आपको 6 से 8 पैकेट बीज 1 एकड़ में डालना होता है। और बीज की मात्रा जमीन के उपजाऊपन के आधार पर कम या ज्यादा हो सकती है। हाई डेंसिटी टेक्निक में बीज की मात्रा 2 गुनी से लेकर 3 गुनी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको बीज पर ज्यादा पैसा है वो खर्च करना पड़ेगा। यहाँ बात सिर्फ बीज की ज्यादा लागत की नहीं है, अधिक पैदावार लेने के लिए आपको बीज के साथ साथ खाद और पोषण पर भी ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि जब 1 एकड़ में 3 एकड़ के बराबर आप फसल लेंगे तो उसमें आपकी लागत तो बढ़नी ही है। लेकिन ये टेक्निक कपास उत्पादक किसानों की आय को 1.5 गुना तक बढ़ा सकती है और ये ट्रायल में कामयाब रहा है। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि इस टेक्निक से उत्पादन कैसे बढ़ता है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम से 1 एकड़ में कपास की खेती करने के लिए आपको 3 एकड़ जितनी मेहनत करनी होती है। और ये कपास की परंपरागत खेती से काफी अलग टेक्निक है, क्योंकि कपास की साधारण खेती करने वाले 3 से 4 तुड़ाई में जितना उत्पादन लेते हैं, किसानों को जितना पैदावार मिलती है उससे कहीं ज्यादा पैदावार है वो HDPC टेक्निक से आपको मिल जाएगी। और ये टेक्निक थोड़ी सी खर्चीली है, लेकिन जब आपका उत्पादन ज्यादा होगा, कमाई ज्यादा होगी, तो आपका ये खर्चा है वो कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, तेलंगाना की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इस टेक्निक का 26 जिलों में ट्रायल किया है, इससे बम्पर उत्पादन हुआ है। और तेलंगाना की प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने हाई डेंसिटी प्लांटेशन टेक्निक का इसका ट्रायल किया है जो कि कामयाब रहा। और कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान डायरेक्टर है आर जगदीश्वर, वो ये बताते हैं कि HDPC यानी कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम टेक्निक के तहत 26 जिलों में 3,642 हेक्टेयर रकबे में कपास की खेती की गई थी, जिसमें परंपरागत तरीके के मुकाबले 50% तक ज़्यादा उत्पादन हुआ था। तो ये एक टेस्टेड टेक्निक है जिससे उत्पादन ज़्यादा हुआ। आप भी इस टेक्निक को अपना सकते हैं, अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस आपको मिलते रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और खेतीबाड़ी की नई टेक्निक सीखने के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप, जिसमें आपको 1 एकड़ में 5 लाख रुपए कैसे कमाए जाते हैं या 10 लाख रुपए आप कैसे कमा सकते हैं 1 एकड़ में खेती करके, ये आप जान सकते हैं, सीख सकते हैं फ्रीडम ऐप पर। इसके लिए कोर्सेज हैं, इसी तरह से बिजनेस के भी कोर्सेज हैं, पर्सनल फिनांस के कोर्सेज हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। तो दोस्तों, आप बिना देर किए फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें जो कोर्सेज हैं उनको आप देखिए, समझिए कि आपके लिए कौन सी खेती का तरीका सबसे उपयुक्त है और कौन सा बिजनेस आप करें तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।